तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आने वाले एक ऐसे क्रेडिट कार्ड का रिव्यू देने जा रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मूवी लवर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है PVR इनॉक्स कोटक क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट एंड फीचर आपको मिल जाते हैं, क्या फी एंड चार्जेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट और फीचर्स की, जो कि अपने आप में काफी कमाल है अगर आप एक मूवी लवर हो तो। वेलकम ऑफर की बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी वेलकम ऑफर नहीं मिलता है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं है। आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर 1 रुपया भी क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं देने पड़ेगा। अब बात करते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1 महीने में 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 1 मूवी के टिकट का वाउचर मिलता है, जिसकी मैक्सिमम कीमत जो है 300 रुपये तक की हो सकती है। ऐसे ही आप 20,000 खर्च करते हैं तो आपको 2 वाउचर मिल जाएंगे, 30 करते हैं तो आपको 3 मूवी के टिकट मिल जाएंगे। इसी तरह से आप आगे बढ़ते चलेंगे, यानी कि ये कह सकते हैं कि हर 10,000 रुपये खर्च करने पर 1 मूवी का टिकट आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल जाता है, जिसको कि आप PVR की जो वेबसाइट है वहां पे जाके रिडीम कर सकते हैं। आपको एक कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग वाले सेक्शन में क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो वहां से आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप मूवी के दौरान फूड एंड बेवरेजेस ऑर्डर करते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसके लिए आपको PVR की वेबसाइट पे जाकर भी, जहां पे टिकट बुक करते हैं वहीं से आपको फूड एंड बेवरेजेस को बुक करना रहेगा, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड से वहां पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको यहाँ पे वाउचर मिल जाते हैं। जब आप 10,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं एक कंसेक्यूटिव मंथ में तो एक वाउचर मिल जाता है। अगर आप वो पैसा भी खर्च नहीं कर पाए तो हर बार आप इस क्रेडिट कार्ड से PVR में जो भी मूवी बुक करेंगे उस पर आपको 5% का ऑफ तो मिलता ही मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अपने पास रखते हैं तो आपको एक्सेस मिलता है प्रीमियम इनॉक्स एक्सपीरियंस करने का। यहाँ पे इनके लॉन्चेस होते हैं, उनमें आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मूवी देख सकते हैं और आपको वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, परचेस करेंगे, उसका चार्ज आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के जो हैं वो सिर्फ मूवी लवर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तो आपको मूवी के लिए अगर ये क्रेडिट कार्ड लेना है तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे और कोई बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी देने की आवश्यकता नहीं है। एनुअल फी की बात करें तो वो 499 प्लस GST, यानी कि 499 रुपये प्लस GST आपको यहाँ पे एनुअल फी इस क्रेडिट कार्ड पे लगने वाली है। चाहे आप इस क्रेडिट कार्ड पे कितना भी खर्चा कर लीजिए, आप इसकी एनुअल फी को वीव ऑफ नहीं कर पाएंगे। अब अगर इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 3.5% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट लगते हैं, जो कि एनुअली 42% के इंटरेस्ट रेट होते हैं आपके लिए। लेकिन ये इंटरेस्ट आपको तभी लगेंगे जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं भरेंगे। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको यहाँ पर 299 रुपये प्लस GST का चार्ज देना होता है। इसके साथ साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ATM मशीन में जाकर कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का चार्ज लगता है, या फिर जो भी आप अमाउंट निकाल रहे हैं उसका 2.5% का चार्ज लगता है, जो इसमें जो मिनिमम होता है वो चार्ज आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और उसके ऊपर GST यहाँ पर आपको अप्लाई होगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पर ओवर लिमिट चार्जेस लगते हैं, जो कि 500 रुपये प्लस GST के होते हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस क्या लगते हैं। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के जो लेट पेमेंट चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं 0 से लेकर 1200 रुपये के बीच में, और वो डिपेंड करते हैं कि आपके बिल की आउटस्टैंडिंग कितनी है। अगर आपके बिल की आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, 50,000 से ऊपर है, तो आपको 1200 लगेंगे। अगर 100 रुपये से कम है तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। डिटेल के लिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके बिल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, तो आपको कितने चार्ज लगने वाले हैं। अगर किसी भी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है या मिल नहीं रहा होता है तो आपको यहाँ पर कार्ड रिप्लेसमेंट कराने के लिए 100 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो फॉरन करेंसी मार्कअप चार्जेस हैं वो 3.5% के होते हैं। तो यही सारे चार्जेस आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जो नागरिकता है वो भारत की होनी चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए, आपके पास इनकम का कोई वैलिड सोर्स भी होना चाहिए, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे और अपने पास इस क्रेडिट कार्ड को लेके मूवियों का आनंद उठा पाएंगे। अब आखिरी सवाल बचता है कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना इस क्रेडिट कार्ड के लिए बेहद आसान है। मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और अपनी आपकी बेसिक डिटेल भरेंगे, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल और आपकी KYC करने के बाद में आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई
कर पाएंगे। दोस्तों PVR Innox कोटक क्रेडिट कार्ड का जो रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ मुलाकात होगी आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।